तो लेट स्टार्ट विद द लिमिट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलस का स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, फंक्शन से स्टार्ट होता है, लेकिन लिमिट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो बच्चे हुए चैप्टर रहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका पूरा एप्लीकेशन इस चैप्टर का यूज होता है वहां पे। तो लिमिट्स में होता क्या है, आपको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है लेकिन फिर भी इसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं रहते और कहीं ना कहीं वो गलती कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे अगर मान लो मैं सिंपल ये बोलता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2, सपोज 3x प्लस 4, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 10 आएगा, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of x, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, मतलब आप किस तरह से इसको पढ़ के समझाओगे कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मींस, एनीवन बताओ? देखो ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और जेईई में फंसा आएगा आपको, इसलिए इसको अपन अच्छे से समझ लूंगा। इसको कैसे पढ़ोगे आप, किस तरह से एक्सप्लेन करोगे इस चीज को, बोलो कोई तो ट्राई करो, गलत होगा चलेगा, ट्राई करो। पर ये जो लिखा है स्टेटमेंट लिमिट x टेंड्स टू, सर x की वैल्यू कुछ 2 के आसपास है पर एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 से थोड़ी कम भी हो सकती है, 2 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, जैसे 2.0000। और ये जो 10 आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है, हाँ देखो स्टार्टिंग को आपने सही करी, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन है मान लो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बोला गया अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी, ठीक है अप्रोचिंग है ये, क्या ये एग्जैक्टली 2 के बराबर है, बोलो नहीं, no, एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है, 2 की तरफ अप्रोच कर रही, अब अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो 1.999 या फिर 2.00001, मतलब 2 के आसपास, इसको बोलते अपन लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच कर रही है जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 10 की तरफ, क्या ये एग्जैक्टली इक्वल टू 10 है? नो सर, नो सर, अगेन यहाँ पे 10 के बराबर नहीं है, मतलब ये आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल टू 10 तो लिखा है, लिमिट की वैल्यू इक्वल टू 10 तो लिखी, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि फंक्शन की वैल्यू अगर 2 की तरफ अप्रोच करेगी, x की वैल्यू अगर 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू 10 की तरफ अप्रोच करेगी, और सेम विद द केस ऑफ दिस cos, आया ना, बोलो यस सर। तो इसमें yes, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर रही है तो फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज क्यों हुआ, कहां पे इसकी एप्लीकेशन, यहां पे तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन कहां पे यूज हुई, जैसे कुछ तरह के फंक्शन होते थे, जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू सपोज लिख दिया 5 साइन ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, अब ये मान लो एक फंक्शन है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है सिर्फ इसकी मैं बात करूंगा, तो अगर इस फंक्शन को मैं अलग से लिखता हूँ साइन ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5, और यहाँ पे मैं पूछू आपको बताओ f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, तो बताओ कितनी आएगी, इन्फिनिटी, क्यों इन्फिनिटी आएगी, 1/0 हो जाएगा, नहीं ना, तो ऊपर भी तो 0 बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है इसकी, तो ये डिफाइंड होगा क्या, नॉट डिफाइंड होगा ना, यस मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ऊपर भी 0 क्रिएट हो रहा है नीचे भी 0 क्रिएट हो रहा है, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मुझे फंक्शन का बिहेवियर चेक करना x इक्वल टू 5 पे, ऐसा बहुत सी बार हुआ, ये चैप्टर जो लिमिट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह यूज होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम फंस जाते हैं कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस फंक्शन का बिहेवियर मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू 5 पे क्या करेगा, तो हम उस पॉइंट पे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं उसके नेबरहुड में वैल्यू निकालते हैं,
नेबरहुड में वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि एक्स के मतलब एक्स इक्वल टू फाइव के आसपास फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। अगर मान लो फाइव के दोनों तरफ, फाइव के एक्स इक्वल टू फाइव पे तो मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फाइव के लेफ्ट हैंड साइड पे और फाइव के राइट हैंड साइड पे अगर फंक्शन का बिहेवियर मैंने चेक कर लिया कि इसके और इधर और इसके दोनों तरफ बिहेवियर अगर सेम है, तो मैं कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ कि एक्स टेंड्स टू फाइव पे फंक्शन इस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक्जैक्टली फाइव पे हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके नेबरहुड में निकाल के हम फंक्शन का बिहेवियर अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और इसीलिए चैप्टर लिमिट का यूज हुआ। कि क्यों, तो कभी कोई पूछता है आपको, भाई हम पढ़ क्यों रहे इस चैप्टर को, इस चैप्टर को पढ़ने का रीजन ये था सबसे बड़ा कि भाई फंक्शन किसी किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो वो अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो पा रहा था, हम प्रॉब्लम को छोड़ तो नहीं सकते, कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस तो करना ही है। तो उसका एनालिसिस को करने के लिए हमने क्या किया, उसके नेबरहुड में फंक्शन को डिफाइन किया, और उसके नेबरहुड में हम देख रहे हैं कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन हो रहा है, और उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि फंक्शन इसके नेबरहुड में अगर ऐसे डिफाइन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट उसको हम ये मान लेंगे। हाँ, है ना, क्या बात सर। एक और एग्जांपल अगर लेके मैं दिखाऊं, लिमिट सपोज ऊपर मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, तो क्या इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं? मतलब बेसिकली अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थ्री पे तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन एक्स टेंड्स टू थ्री पे इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, इसमें होगा क्या, ऊपर एक फैक्टर बनेगा x माइनस थ्री, नीचे एक फैक्टर बनेगा x माइनस थ्री x प्लस थ्री, नीचे एक फैक्टर x माइनस थ्री है, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई है, लिमिट x टेंड्स टू थ्री है, कि यहाँ पे x माइनस थ्री फैक्टर को हम कैंसिल कर सकते हैं। जीरो अपॉन जीरो कैसे कैंसिल होगा? हाँ, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू थ्री नहीं है, इसलिए हम कैंसिल कर पा रहे हैं, अदरवाइज मैथमेटिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री मान लो फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं x माइनस थ्री अगेन x प्लस थ्री लिखता हूँ अपॉन x माइनस थ्री है, तो यहाँ पे डायरेक्टली x माइनस थ्री को कैंसिल कर सकते हैं क्या मैथ्स में, नॉर्मल फंक्शन में? नो सर, नहीं, डायरेक्टली कैंसिल नहीं किया, क्यों? अगर कैंसिल कर रहे हैं इसका मतलब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू थ्री नहीं है, अगर थ्री नहीं है तो ही कैंसिल कर पाएंगे, अगर ये कंडीशन मेंशन है तो ही कैंसिल कर पाएंगे, अदरवाइज कैंसिल, अगर कैंसिल कर रहे इसका मतलब आप क्या मान रहे हो, जीरो बाई जीरो की वैल्यू वन मान रहे हो, क्योंकि एक्स की वैल्यू थ्री होगी तो उस केस में फिर ये वन अज्यूम कर लिया अपन ने, तो ये कैंसिलेशन तभी पॉसिबल होता है जब एक्स की वैल्यू थ्री अलाउड, मतलब थ्री नहीं है, ठीक है, अगर थ्री नहीं है तो कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे x टेंड्स टू थ्री है, क्या यहाँ पे x की वैल्यू थ्री के बराबर है? नहीं, नो सर, इसलिए लिमिट के केस में कैंसिल कर पा रहे थे, ये चीजें भी डायरेक्टली जनरली बच्चे याद कर लेते कैंसिल कर दो, लेकिन क्यों कैंसिल कर पा रहे ये पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x थ्री के बराबर नहीं है, अब यहाँ थ्री रखोगे तो वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, सिक्स की तरफ, है ना? इस फंक्शन की वैल्यू थ्री पे डिफाइन नहीं थी, लेकिन थ्री के नेबरहुड में इसकी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, सिक्स की तरफ अप्रोच कर रही है, आ गई बात समझ में? लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तो आंसर कितना आएगा? जीरो की तरफ? नहीं ना, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस, नहीं, ए माइनस का मतलब क्या होता है, ए से थोड़ा सा पास, यस सर, ना, तो ए माइनस भी अगर करेंगे तो फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, एल की तरफ ही तो जा रहा है, और ए प्लस से भी फंक्शन एल की तरफ जा रहा है ना, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों से फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ, क्लियर है? यस सर। ए प्लस बोलो या ए माइनस बोलो, दोनों से लिमिट की वैल्यू किसके बराबर, एल की तरफ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हमने नाम दिया था राइट हैंड लिमिट, और दोनों की वैल्यू एल के बराबर, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेकेंड पार्ट में अगर मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a f(x), बताओ फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है? L नहीं ना, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, देखो ध्यान से, यस सर, क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड है क्या ग्राफ में, a पे वैल्यू, एग्जैक्टली a पे वैल्यू डिफाइंड है क्या? नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन a की तरफ अप्रोच करेगा तो a की तरफ अप्रोच करने पे फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, l की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये डिफाइंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों l के बराबर है, लिमिट भी l के बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू a पे डिफाइंड है क्या? नो सर, नो सर। ठीक है, और आगे जाके हम देखेंगे, जैसे इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस, है ना, और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का एक रीजन क्या आ गया कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है मेरा, डिसकंटिन्यूस है,
क्लियर है, याद आ रहा होगा आपको, ऑलरेडी पढ़ा होगा आपने, हाँ है ना। और यहाँ पे कंटिन्यूस नॉट, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों की दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन उस पॉइंट पे क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू भी एल है, यहाँ पे अगर हम पूछता एफ ऑफ ए की वैल्यू तो भी आप क्या बताते, एल बताते, और लिमिट की वैल्यू भी क्या है, एल, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पे लिमिट का डिफाइंड है, एल के बराबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। आगे बात समझ में? यस यस सर। अच्छा इस पॉइंट पे बता मुझे, अगर यहाँ पे हम पूछते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कितना आएगा? L1 आएगा। अच्छा बाकी लोग एनीवन एल्स, L1 आएगा, कुछ और आएगा बोलो, ये चैप्टर तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, बताओ बाकी लोग बताओ क्या आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f x, ये ग्राफ है आपके सामने, ये f x का, x टेंड्स टू a f x का आंसर क्या आएगा? अच्छा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f x L1, हाँ, L1. a माइनस मतलब a से थोड़ा सा कम तो L1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस L2 ठीक है, तो a पे क्या होगा? L1 L1 ही होगा सर। L1 क्यों होगा? क्योंकि L2 सर उसके ऊपर वो नहीं, गलत है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ना। यस सर, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे अगर मैं ये बोलता फंक्शन की वैल्यू a पे, तो आप बोलते क्या L1? समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है। फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी, L1 है, वो तो ठीक है, लेकिन फंक्शन लिमिट अगर पूछता हूँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट डिफाइंड होती है क्या? नो सर, नो सर, है ना। किसी भी फंक्शन की लिमिट कब डिफाइंड होती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या नहीं चाहिए, सेम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर a माइनस से और a प्लस से फंक्शन अलग अलग आ रहा है, तो एक a की तरफ, अब देखो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, a की तरफ अप्रोच किधर से भी कर सकता है, लेफ्ट और राइट से, तो उसकी लिमिट आंसर सेम कब आएगा, जब दोनों लेफ्ट और राइट से आंसर सेम होगा तो ही उसको l लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे इक्वल था, तो इसका आंसर लेफ्ट और राइट से दोनों से एल आया, तो लिमिट की वैल्यू भी क्या आएगी, एल आएगी। यहाँ पे भी एल था तो एल आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछ रहा हूँ एल, तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है। ये बात समझ में आई? यस सर। ये बहुत बेसिक कांसेप्ट था, अच्छा मैंने पूछ लिया, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ पे पूछता हूँ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, बोलो यहाँ पे, चलो यहाँ पे एल एच एल बताओ, एल हाँ मतलब एल वन सॉरी, आर एच एल हाँ इन्फिनिटी पे जा रहा है, नॉट डिफाइन। अब अंतर क्लियर हो गया ना, तो किसी भी चीज की लिमिट कब डिफाइन करेगी, किसी भी फंक्शन की लिमिट कब डिफाइन करेगी, जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा, फंक्शन आ रहा है। यस सर, तो आप ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन की लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये डिफाइन कब करेगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल और क्या हो, फाइनाइट हो। क्लियर है? यस सर, यस सर। ये बेसिक डेफिनेशन की लिमिट। चलो तो लिमिट का बेसिक कांसेप्ट तो हमने सीख लिया, अब इसका एलजेब्रा देखें कि भाई एलजेब्रा बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑलरेडी पता है कि अगर दो फंक्शन आते हैं मेरे पास, दोनों की लिमिट अलग अलग है मान लो, तो दोनों फंक्शन अगर एडिशन में, तो दोनों की लिमिट में अलग अलग सॉल्व कर सकता हूँ। अगर साथ में मान लो ऐड है, तो एक की लिमिट अलग निकालूंगा, दूसरे की लिमिट अलग निकालूंगा, दोनों को ऐड कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन में भी लिमिट सेपरेट हो सकता है, प्रोडक्ट में भी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड में भी लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट अगर के है तो लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं, पावर में अगर है तो पावर में भी लिमिट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन है तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को भी लिमिट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग के अंदर जो फंक्शन है उसको भी लिमिट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहा, मतलब लिमिट को आप किसमें भी सेपरेट आउट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, अगर मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स है, अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ, जीरो की तरफ, है ना। अगर कोई फंक्शन है वो, जैसे मानो वन अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो पूरा फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना। अच्छा लिमिट्स को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टी मुझे बताओ, कि जैसे
आपने पढ़े इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, जैसे मैं बोलता हूँ लिमिट, अपन ने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो सपोज साइन एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऊपर और नीचे फंक्शन किस क्या हो रहा है जीरो जीरो है क्या जीरो की तरफ, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैसे हैं अप्रोचिंग है, क्लियर है? जीरो इसमें से दोनों में से कोई भी एग्जैक्टली जीरो के बराबर नहीं है, दोनों के दोनों जीरो की तरफ क्या कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं, है ना? ठीक है, yes, sir. हम जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, कितने पढ़ते इनडिटरमिनेट फॉर्म, आपने कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े? सेवन. ठीक है, वो सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म जैसे कि अपन ने जो जो पढ़े हैं जीरो बाय जीरो, और बताओ क्या क्या पढ़ा, इन्फिनिटी बाय जीरो पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जीरो की पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बाय पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो था, चेक करना, और वन की पावर इन्फिनिटी और बताओ जीरो अपॉन इन्फिनिटी नहीं वो तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो अपॉन इन्फिनिटी इन्फिनिटी अपॉन जीरो, ये तो जीरो की तरफ ही चल जाएगा ना, जीरो अपॉन इन्फिनिटी तो ये तो इंडिटरमिनेट थोड़ी है, वन अपॉन जीरो कहा था इंडिटरमिनेट फॉर्म याद नहीं। अच्छा ये होगा क्या? जब हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाए कि वो किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा या इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जैसे यहाँ पे ऊपर बोल रहा है जीरो की तरफ जा रहा है, नीचे बोल रहा है जीरो की तरफ जा रहा है, तो अब जैसे न्यूमरेटर में जीरो मतलब फंक्शन जीरो होना चाहिए और नीचे बहुत छोटा नंबर है तो नंबर इनफाइनाइट की तरफ जाना था, तो दोनों तरह से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे ध्यान रखना है अप्रोचिंग है सारा, यहाँ पे वन भी क्या है अप्रोचिंग है, एग्जैक्टली वन नहीं है, है ना? यस सर, यस सर, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मुझे ये बताओ अगर मैं वन को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है? वन नहीं तो होता है, लेकिन वन की पावर इनफिनिटी तो अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ रहा है, इसका आंसर तो वन आ जाना चाहिए ना, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है ये, कहने का क्वेश्चन समझ में आया? वन की पावर इनफिनिटी आप बोलते हो सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब किसको बोलते हैं, जिसका आंसर मुझे पता नहीं, हो सकता वो जीरो हो जाए, हो सकता वो इन्फिनिटी हो जाए, अगर दो तरह के आंसर आते हैं तो हम उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जैसे जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इनमें सब में कुछ भी हो सकता है, या तो जीरो की तरफ जा सकता है या तो इन्फिनिटी, इसलिए डिटरमाइन नहीं कर पा रहे इसलिए उसको बोल रहे इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन वन की पावर इन्फिनिटी को इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला, इसका आंसर तो वन आना चाहिए ना सर, अप्रोचिंग वैल्यू है ना वन, हाँ ये वन एग्जैक्ट वन है क्या? नो सर, नो सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इट इज नॉट एग्जैक्टली वन, अगर एग्जैक्ट वन होता, अगर एग्जैक्टली वन होता तो उसको इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करो कितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा क्या आता, वन आता है, हाँ ना? यहाँ पे ये क्या है अप्रोचिंग वन है, अब अप्रोचिंग वन दो तरह से हो सकते हैं, 0.999 वाला भी की पावर इन्फिनिटी या फिर 1.0000 की पावर इन्फिनिटी, अब दोनों ही केस में इसका आंसर क्या आएगा, 0.9 की अगर कोई इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो आंसर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और 1.001 को इन्फिनिटी से करोगे तो आंसर किसकी तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी, इसलिए दो तरह के आंसर आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, आगे बात समझ में? लेकिन वो इंडिटरमिनेट क्यों लग गया, क्योंकि उसका वो एग्जैक्टली वन ही, ध्यान रखना ये क्या है अप्रोचिंग वन, ये क्या है अप्रोचिंग, इज इट क्लियर? यस सर, तो ये सब कितनी छोटी छोटी चीजें, लेकिन जनरली इसको या तो पढ़ाते हैं तो बच्चे ध्यान नहीं देते या फिर पढ़ाया नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये अप्रोचिंग वन है और ये एग्जैक्ट वन, इसका हमको पता अंतर पता होना चाहिए, ठीक है? एक मिनट, में पेज ऐड कर रहा हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर, ये तो केवल 6 ही हुई ना, शायद 7 नहीं होती इंडिटरमिनेट फॉर्म, हां 7 होती थी, एक और बाकी, रुको मैं बताता हूं, एक सेकंड, पेज ऐड कर दूं 2-3, बाकी बताओ और कौन सी रह गई है, एक और रह गई है, जीरो की पावर जीरो, हाँ जीरो की पावर जीरो, ठीक है,
जो मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनरली तो हम 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1 की पावर इंफिनिटी इन्हीं पे डिटेल में जानते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट एक दो चीजें और हैं बेसिक क्वेश्चन, जैसे मैं अगर मैं आपको ये बात बताता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछना एक सेकंड अनम्यूट करो, किसी का बैकग्राउंड नहीं जा रहा है। इसका आंसर बताओ, वो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। करो ट्राई, चलो एक काम करो, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, इसको आप लिखो पाई बाय टू। चलो अब बताओ आंसर क्या है सर? डिसकंटिन्यू होती है ये? नहीं नहीं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू नहीं पूछ रहा, लिमिट का पूछ रहा हूं मैं तो। इसका आंसर क्या है? सर वन वन, ठीक है एक आंसर आया वन, इसके अलावा एनी वन एल्स? बाकी सब निकालो जल्दी जल्दी। जीरो, ठीक है एक आंसर आ रहा जीरो, और कोई? तो वन वन और जीरो, दो तरह के आंसर आ रहे हैं, सही क्या है फिर? और किसी का एनी वन एल्स ऑप्शन? सर वन सर वन वन ही ठीक है चलो गलत है, वन भी गलत है और माइनस वन भी जीरो भी गलत है आई थिंक। चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं, लिमिट का केस है ना और ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो सबसे पहले हमें ये श्योर होना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा हो सकता है वन भी आंसर हो, एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, रैंडम मैंने एग्जांपल दिया था, तो पहले अपन चेक कर लेते हैं कि दोनों से वैल्यू सेम आ रही, क्योंकि इंटीजर वाला केस है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका आंसर क्या आएगा और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, आप सोचो। बताओ ग्राफ से सोचो, चलो हिंट दे रहा हूं, ग्राफ से सोचो। सब लोग दिमाग लगाओ तो ही चलेगा काम, नहीं तो जेई के क्वेश्चन होंगे नहीं, सिर्फ बैठे रहोगे फिर डायरेक्ट मेरा इंतजार करोगे आंसर लिखने का। खुद का दिमाग अप्लाई करो, सब कुछ तो हिंट दे दिया मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाओ, ग्राफ की हेल्प लो, बताओ आंसर क्या आएगा। ये और आपका पाई बाई टू, वन वन आएगा दोनों, दोनों का वन वन आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ वन माइनस का मतलब क्या होता है, पाई बाय टू माइनस का मतलब क्या होता है? एक्स टेंस टू पाई बाय टू माइनस, मतलब एक्स पाई बाय टू को रोज कर रहे माइनस कर से, मतलब माइनस मतलब पाई बाय टू से थोड़ा सा कम कि थोड़ा सा ज्यादा, कि पाई बाय क्या है? थोड़ा कम पाई बाय टू, पाई बाय टू से थोड़ा सा कम है ना, अगर एक्स टेंस टू पाई बाय टू से थोड़ा सा कम है तो जो वाई की वैल्यू वो वन की तरफ अप्रोच करी तो वन से थोड़ी सी कम है कि वन से थोड़ी सी ज्यादा है? थोड़ी कम होगी, वन से थोड़ी सी कम है, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.999 समथिंग आएगी। यस सर, यस सर आएगा, जीरो आएगा, उसका रेट जीरो आएगा, आया समझ में? यस सर, यस सर, आप बता दे। अच्छा आप अगला ट्राई करें, वाई बाय टू लेफ्ट पे बताओ, क्योंकि वन आ जाएगी सर, जीरो बनेगा तो उसका ग्रेटेस्ट। गलत, फिर से गलत,
अगेन पाई बाय टू प्लस पाई टू, थोड़ा सा ज्यादा भी जाओगे तो ग्राफ yes, वापस नीचे आ रहा है ना, पाई बाय टू पे वन उसके बाद तो वापस नीचे आ रहा है ना। यस सर, नीचे तो ये गलती कर दी आपने, पाई बाय टू से थोड़ा सा आगे गए तो वापस वैल्यू क्या आ रही, नीचे की तरफ जा रही, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस, ये वैल्यू जीरो वन से थोड़ी सी कम है। ठीक है, आप ग्राफ एनलार्ज करके देखो, थोड़ा सा एनलार्ज कर देना। तो ये की बेसिक चीज थी, वो गलती करवा दिया आप लोगों को। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, पाई बाय टू, एग्जैक्टली पाई बाय टू पे वैल्यू कितनी है, वन, बोलो वन है, वो पाई बाय टू के नेबरहुड में, चाहे प्लस जाऊं या माइनस जाऊं उसके पास में वैल्यू क्या है, वन से कम ही है। यस सर, पाई बाय टू माइनस पे भी और पाई बाय टू प्लस पे भी वैल्यू क्या है, वन से कम है, और वन से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इस, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फिर, बोलो इसका आंसर। यस सर, जीरो वाली आंसर क्या है, जीरो, क्लियर हो गया। यस सर, यस सर, ओके चलो एक और आई करो। बता, अच्छा चलो पहले सिर्फ इसका आंसर। आराम से, तो अगेन वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, मजा आ रहा है करने में कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो बताओ इसका आंसर। यस सर, बोलो, सिंपल साइन एक्स दिया मैंने तो, जीरो, ठीक है, एक आंसर आ रहा जीरो, और कोई चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो, अगेन जब फंस जाओ तो ऐसा करा करो ना खुद से, अभी पिछली बार बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, सब लोग पता करो। बताओ लेफ्ट साइड सर, मेरी तो जीरो जीरो आ रही थी। अगर लेफ्ट साइड से जीरो माइनस पे इसकी वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, देखो ध्यान से, साइन का ग्राफ जीरो के आसपास कैसा बनता है, ऐसा कुछ है ना। जी सर, सर अब हम जीरो पे चेक कर रहे हैं तो जीरो से थोड़ा सा कम वैल्यू जीरो की तरफ तो अप्रोच करेगी, लेकिन नेगेटिव साइड से yes, 0.000 समथिंग आया ना।
अरे बस जीरो माइनस पे वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना, बोलो। यस सर। और जीरो थोड़ा सा ज्यादा पे भी जीरो की तरफ अप्रोच करेगी लेकिन पॉजिटिव साइड से, ये वैल्यू क्या होगी 0.00 लेकिन पॉजिटिव साइड से। अब नेगेटिव जीरो से कम का ऐसा नंबर जो जीरो और माइनस वन के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? माइनस वन। जीरो से कम वाले का, और जीरो से थोड़ा सा ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग आ रही, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सटेंड्स टू जीरो पे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, लिमिट नॉट डिफाइंड, हां नॉट डिफाइंड। हुआ क्लियर? बोलो। यस सर। दोनों क्वेश्चन अच्छे, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। पाई बाय 2 के केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही केस में आंसर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन जीरो के केस में एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन आ रहा है और दूसरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आ रहा है, इससे लिमिट क्या होगी उसकी? जीरो, नॉट डिफाइंड होगी। आगे बात समझ में? तो आपने जितने भी जनरली क्वेश्चन किए होंगे उसमें फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन, हम क्या करते हैं फैक्टराइज करके एक फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, रेशनलाइजेशन से एक फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, और जीरो बाय जीरो और इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो। जैसे ये वाला है, यहाँ पे भी ऊपर एक फैक्टर बनेगा नीचे एक फैक्टर बनेगा, दोनों कैंसिल करके लिमिट सॉल्व कर लोगे? बोलो। यस सर। यस सर। बेसिक वाले क्वेश्चन है तो आपको आते होंगे, है ना? और यहाँ पे क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? ये नहीं आते क्या? अच्छा ऊपर वाले को फटाफट देख लो, नहीं पता तो x माइनस नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे रैशनलाइज करोगे? हाँ रैशनलाइज करोगे ना, रूट माइनस रूट है तो रूट प्लस रूट से रैशनलाइज करोगे ना, नहीं पता है? बोलो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले में सिंपल फैक्टराइज करना, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट माइनस रूट है तो क्या करोगे रैशनलाइज, रैशनलाइज करोगे स्मॉल हो जाएगा। ठीक है यस सर। रैशनलाइज करोगे यस सर, एक्स बनेगा, उस एक्स वाला नीचे एक्स से कट जाएगा, एक्स की जगह जीरो रखोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, तो एफ एक्स बाय एफ एक्स वाला। अच्छा इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन जब भी आए लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम कोशिश करेंगे कि 1/fx क्रिएट करें या फिर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी क्रिएट करें, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी क्रिएट हो गया तो जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। हाँ है ना? यस सर। आपको fx / gx और लिमिट बोला है, सपोज लिमिट एक्सटेंड्स टू कुछ है इन्फिनिटी, और ऊपर भी एक एलजेब्रिक फंक्शन है नीचे भी एक एलजेब्रिक फंक्शन है, और ऊपर वाले की मान लो फंक्शन की डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऊपर की है n, और नीचे वाले की डिग्री मान लो हाईएस्ट पावर है m। ठीक है, मत समझ में आया कि ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, ऊपर का हाईएस्ट पावर n है नीचे का हाईएस्ट पावर m है, तो अगर n की वैल्यू m से ज्यादा है, मतलब ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे की डिग्री कम, मतलब ऊपर मानो पावर 3 है नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 1 है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी, तो इसका लिमिट किसकी तरफ अप्रोच करेगा? ऊपर पावर ज्यादा है नीचे, नहीं नहीं ऊपर पावर ज्यादा है नीचे तो पावर कम है, तो जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x² अपॉन एक्स प्लस 4, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो इन्फिनिटी की तरफ होगा। नीचे पावर अगर ज्यादा है और ऊपर पावर कम है तो माइनस इनफिनिटी की तरफ, जीरो डिनोमिनेटर में इनफिनिटी क्रिएट हो जाएगा, है ना? ज्यादा इस तरह अप्रोच करेगा जीरो की तरफ। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। और ऊपर और नीचे अगर पावर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते लिमिट की तरफ, नहीं 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 एक मिनट रुको, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी जल्दबाजी नहीं, यस सर, 3x³ माइनस 4x² प्लस 8, और नीचे भी मान लो क्यूब इक्वेशन है 7x³ माइनस 5x प्लस 2, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? कैसे सॉल्व करोगे? ऊपर नीचे पावर से 7 आएगा, कोफिशिएंट लेते हैं, ऊपर नीचे पावर से में तो हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, x³ से दोनों को डिवाइड कर दोगे, है ना? यस सर। तो बच्चे भी सारी टाइम जीरो हो जाएगी, सिर्फ बचेगी क्या 3/7। क्लियर है? तो कभी भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर से ऊपर और नीचे को डिवाइड करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में से लिख दिया, अगर पावर सेम है तो a नॉट बाय b नॉट हाईएस्ट जो भी उनके कोएफिशिएंट आ जाएंगे, पावर नीचे ज्यादा है तो जीरो, ऊपर पावर ज्यादा है तो इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट जो आपको याद होती है साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर साइन के अंदर फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है
सेम फंक्शन अगर नीचे लिया तो आंसर आता है वन, याद आ रहा है? यस सर। अच्छा ये आंसर जो आ रहा है अपन यहाँ पे जो लिख रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा वन, तो क्या ये एग्जैक्टली वन के बराबर है? नो सर। नहीं, ये भी अप्रोचिंग, ऑफ कोर्स लिमिट में हर चीज क्या होती है, अप्रोचिंग वन होती है ना। यस सर। इसकी तरह क्या हो गया इसका आंसर, ये नाइन नाइन वाला वन होगा या फिर 1.0000 वाला बनेगा, कौन सा होगा बताओ? एक साइन एक्स और एक्स है, एक्चुअली जे में क्वेश्चन आया था 1.00 वाला। अच्छा मुझे ये बताओ इसका आंसर तो कितना आ रहा अपना साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर, अगर एक्स जीरो की तरफ, इसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा, है ना? वन। यस सर। यस सर। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, तो बताओ इसका आंसर क्या है? जीरो। हाँ क्यों, पर जीरो आएगा क्यों, वन आएगा क्या आएगा, वो जीरो आ रहा है तो क्यों? क्वेश्चन समझ में आया सबको, बोलो? यस सर। फॉर्मूला हमारा एक है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर वन आता है, ठीक है? मतलब अगर एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन वन की तरफ अप्रोच करेगा, यहीं पर अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं तो अब इसका आंसर क्या आएगा? अब इसको देखो लॉजिकली समझाता हूँ, एक फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन, ये दो तरह के फंक्शन है, एक तो क्या है y इक्वल टू साइन एक्स है, और दूसरा कौन सा फंक्शन है y इक्वल टू x, है ना? इन दोनों को डिवाइड किया गया है, बोलो? यस सर। ठीक है, दोनों के ग्राफ प्लॉट करते हैं एक बार, एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, क्लियर है? यस सर। y इक्वल टू x, इसका ग्राफ कैसा होगा y इक्वल टू x का, स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन। यस सर। ठीक है, ओरिजिन से। हाँ ओरिजिन। अब देखो ध्यान से, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, अब देखो रेड ग्राफ ऊपर है कि ऑरेंज ग्राफ ऊपर है? रेड वाला, रेड वाला ऊपर है, तो मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन साइन एक्स है, यस है ना? यस सर। साइन एक्स अपॉन एक्स का जो रेशियो होगा वो वन से कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा न्यूमरेटर कम है ना, डिनोमिनेटर ज्यादा न्यूमरेटर कम है, तो क्या होगा, वन से कम, ये जो वैल्यू होगी ये अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 0.9999, ये ध्यान रखना है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर कितना आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्लियर हुआ, एग्जैक्ट जीरो। अच्छा अब मुझे बताइए एग्जैक्ट जीरो के अप्रोचिंग जीरो, ये अगला आंसर आया, अप्रोचिंग नहीं, यहाँ पे ये तो कितनी छोटी छोटी बातें लेकिन जनरली कवर नहीं होती, ये क्या एग्जैक्ट जीरो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आ रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या एग्जैक्टली, ये रही बात? यस सर। तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन, अच्छा ये सेम अगर मैं टेन के साथ में बोलता, टेन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स का भी फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, इसका भी आंसर हम क्या लिखते हैं, वन। अब ये जो वन है ये कैसा वन है, ग्रेटर देन वन वाला है कि लेस देन वन वाला है? ग्रेटर देन वन वाला। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्राफ में तो वो जो टेन एक्स है उसकी वैल्यू एक्स से क्या होती है, ज्यादा, तो ये वैल्यू वन से थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? क्या होगा Yes, sir. कॉस में तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, कॉस में तो कोई इंडिटरमिनेंसी नहीं बनेगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स अपॉन एक्स का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, बोलो? नीचे नंबर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ऊपर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, अब वन अपॉन नंबर अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, इन्फिनिटी जाएगा ना, इन्फिनिटी। यस सर। अच्छा अगर 10x के केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछता तो आंसर क्या था, 1 आता, क्योंकि 1.00 समथिंग इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर था, 1 आता, है ना? यस सर। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना, बचे हुए फॉर्मूले, ठीक है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसका आंसर क्या आ जाएगा, n इनटू a की पावर n माइनस 1, है ना? याद है कि नहीं, ये सब यूज किए होंगे पहले, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर 1, log of 1 plus x अपॉन x का आंसर 1, ये अगर चाहो तो एल हॉस्पिटल रूल से प्रूव भी कर सकते हो, 0/0 फॉर्म में ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट, है ना? यस सर। एल हॉस्पिटल रूल तो अप्लाई किया होगा आपने?
कहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉगरिथमिक रूल, जब जीरो बाई जीरो फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो, ऊपर को अलग डिफरेंशिएट करो नीचे को अलग डिफरेंशिएट करो और तब तक करते जाओ जब तक जीरो बाई जीरो फॉर्म हट ना जाए, है ना। उनसे भी ये सब डिराइव हो सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे ये एक्स बाय एक्स हम जो बात करते हैं, यहाँ पे एक्स किस में होना चाहिए, एंगल, रेडियन में, ठीक है। अगर डिग्री में आता है तो डिग्री को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, ठीक है। तो ये अपन जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं यहाँ पे जितने भी एंगल है सब किस में, स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन में, है ना। आगे बात समझ में। अच्छा ये जनरलाइज भी होता है कि अगर फंक्शन एफ एक्स है वो सेम एफ एक्स नीचे दिया हो और एफ एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ, तो भी इसका आंसर कितना आएगा, वन, है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू सपोज माइनस थ्री, साइन ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, बताओ इसका आंसर। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन है वो जीरो की तरफ जा रहा है, सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा, क्लियर। यस सर, यस सर, ओके, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात हो गई। बाकी सब में भी e की पावर एफ एक्स के फॉर्मूले में अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन नीचे दिया तो आंसर वन, ये भी एफ एक्स दिया हुआ तो आंसर वन, टेन के केस में भी आंसर वन हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, ठीक है, लिमिट इंफिनिटी वाले क्वेश्चन, जैसे ये वाला। चलो एक दो ट्राई कर लो, इन तीनों के आंसर निकालो। बताओ हो गया सबका सॉल्व? हाँ, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, e की पावर में फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3x, क्या जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है 3x, बोलो, यस सर, है ना। फॉर्मूले में क्या सिखाया, क्या e की पावर एफ एक्स अपॉन सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, सब फॉर्मूले में सेम फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर क्या दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 3x दिया तो 3x क्रिएट करना पड़ेगा, हाँ है ना, यस सर, थ्री से मल्टीप्लाई किया, थ्री से डिवाइड किया तो ये एक्स्ट्रा 6 क्रिएट हुआ, तो ये 6 यहाँ पे ऊपर अलग चल जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x, ये किया था सबने, यस सर, यस सर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन, अब ये वन की तरफ अप्रोच करेगा, हाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 1 = 6, क्लियर हुआ, यस सर, लेकिन का आंसर क्या आया, 2/3, 2/3, हाँ, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू साइन 2x है, अब यहाँ पे 2x के लिए 2x नीचे चाहिएगा, हाँ जी, और 3x की तरफ क्या चाहिएगा, 3x, है ना, तो यहाँ के लिए 2x से डिवाइड किया 2x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3x से डिवाइड किया 3x से मल्टीप्लाई, ये हुआ, तो ये आंसर अगेन कितना हो जाएगा, ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी वन, ये भी वन, हाँ है ना, यस सर, यस सर, यस सर, x कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3, अगला इसका 1/2, जीरो, कैसे सॉल्व करें, इसको tan को sin upon cos में कर लेंगे, ठीक है, tan को लिखा sin upon cos, तो sin upon cos, अब तो इसको cos से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड भी, ठीक है, हाँ, मतलब LCM ले लोगे cos का, ऊपर sin कॉमन ले सकते हो, साइन कॉमन लोगे अंदर बचेगा 1 by cos, 1 by cos का एलसीएम हो जाएगा 1 minus cos,
अपॉन एक्स क्यूब और एक नीचे कॉस एक्स आ जाएगा, है ना? यस क्लियर है आज तक सबको? यस सर। अच्छा लिमिट को ऑलरेडी अपन ने अलजेब्रा ऑफ द लिमिट में देखा था, लिमिट को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है। तो इसको तो आप चाहो तो डायरेक्टली, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे साइन एक्स है और एक्स क्यूब है, तो साइन एक्स के साथ एक एक्स दे देंगे। यस सर। यस सर। साइन एक्स के साथ आप एक एक्स दे दोगे और एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कॉस एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे देंगे अलग। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये साइन एक्स अगेन ये कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे आके पास क्या बचेगा? वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अब चाहो तो वन माइनस कॉस एक्स को भी एक फॉर्मूला होता है, वन माइनस कॉस टू थीटा। बोलो याद आ रहा है? वन माइनस कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री में। सर टू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ टू साइन स्क्वायर थीटा याद रखो, तो पता होना चाहिए। और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे टू थीटा कन्वर्ट होता है उसके हाफ एंगल में थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे कॉस एक्स से तो कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर। बोलो एक्स बाय टू। एक्स बाय टू नीचे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब ये क्या है, साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर है? यस सर। तो इस सेम मुझे नीचे क्रिएट करना है, तो इसका x by 2 का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर by 4, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, है ना? अब इस पूरे फंक्शन के लिए अगेन fx upon fx कितना हो जाएगा? 1, तो 2 by 4 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1 by 2। क्लियर? L यस सर। उसे भी कर सकते थे L हॉस्पिटल। हां L हॉस्पिटल लगा सकते हो, वो तो ठीक है। यस सर। लेंथी हो जाएगा फिर। हां उससे भी हो जाएगा, L हॉस्पिटल से भी। दूसरा एक फार्मूला और cos के केस में याद रखना, ये वाला बहुत काम आता है जो भी अपने डिराइव किया है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी थी? 1 बाय 2। क्लियर है? इसको याद रखो कॉस के केस में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाय 2। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके बाद कुछ एक्सपेंशन है जो जनरली जैसे कभी कभी क्या होता है, 0 बाय 0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल लगाने से क्वेश्चन और लेंथी हो जाता है, कभी कभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहे होते, कभी कभी अननोन पूछते हैं कि ए बी सी के अननोन की वैल्यू बताए, इस लिमिट का आंसर अगर सी है, तो उस केस में हमारे पास एक्सपेंशन बहुत काम आते हैं। एक्सपेंशन तो ये सारे, इसमें से जो काम काम के सबसे ज्यादा याद रखने वाले, एक तो ये इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट वाला है वो मैं लिख देता हूँ जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। e की पावर x का, एक तो e की पावर x को एक्सपांड हम कैसे कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x, सॉरी वन से स्टार्ट होगा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक तो याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट जो याद होना चाहिए वो है log of 1 plus x का, अगर याद रख सको तो इसमें ऐसे छोड़ो, चलो इसको इसकी जगह sin और cos का याद कर लो, sin cos tan का, e की पावर x का एक्सपेंशन और sin cos tan का। तो sin x का एक्सपेंशन, sin x odd टर्म है, odd फंक्शन है जिसमें odd टर्म्स आती है, x आएगा फिर अल्टरनेट प्लस माइनस पे x क्यूब फिर प्लस पे x की पावर 5, क्योंकि sin x odd फंक्शन, माइनस रखोगे तो माइनस बाहर आ जाता है। cos वहीं पे इवन फंक्शन है, cos of minus x cos x की तो even terms है, one alternate plus minus पे। क्या है बात समझ में आ रही है? और tan last yes, तो term याद कर लेना, tan थोड़ा अलग, x plus x cube by 3 and so on। clear? yes sir। ठीक है, next form होता है 1 की power infinity। अगर आपके पास ऐसा question आता है, लिमिट x टेंड्स टू सपोज a है, fx की पावर gx, पावर में क्वेश्चन हो और x को जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन fx से वो मान लो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है और gx जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? एक एक 1 की तरफ, एक इन्फिनिटी की, तो कौन सा फॉर्मेट? e की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी है ना? बोलो। यस सर। 1 की पावर इनफिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको आप लिमिट को कन्वर्ट कर दो इस तरह से, e की पावर में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? अगर 1 की पावर इनफिनिटी वाला फॉर्मेट है तो इफ क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट e की पावर में, लिमिट सेम x टेंड्स टू a, ये जो fx है जो 1 की तरफ जा रहा था उसमें से 1 माइनस कर देना, मल्टीप्लाई कर देना gx के साथ, ठीक है?
अब जी एक्स आपका इनफिनिटी की तरफ है, ये आपका एफ एक्स माइनस वन जीरो की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट है जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या रखना है, ई की पावर में एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, बोलो ई की पावर में एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, एफ एक्स वन की तरफ जा रहा है, जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, याद रख लोगे फॉर्मूला? यस सर, यस सर। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर केस हमको याद रखने, क्वेश्चन में देख लेता हूँ वो हो तो, वन की पावर इन्फिनिटी वाला कोई है क्या जी की क्वेश्चन? ठीक है चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वन की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है बताओ? है ना? यस सर, यस सर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, e की पावर लिमिट x जीरो कोस कोस x माइनस वन इनटू कोटेक्स इनटू कोटेक्स। अब इसको आप सॉल्व करो। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, एफ एक्स माइनस वन इनटू जी एक्स, आ रही बात समझ में? यस यस सर, यस सर। जो पर्टिकुलर केस होते हैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर आपका ई आएगा, इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है, रिमेम्बर, कभी कभी इसको यूज हो सकता है, रिमेम्बर एज अ रिजल्ट। ठीक है, क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स दिया हुआ है और उसकी पावर वन बाई एक्स दी हुई है, इसका आंसर कितना आएगा, ई। इसको भी एल हॉस्पिटल रूल से डिराइव किया गया, सॉरी ये अभी जो अपने पढ़ा था वन की पावर इन्फिनिटी उसी से डिराइव किया गया, और वन की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म कैसे दी रहेगी, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व किए करके, आप चाहो तो एनसीईआरटी में शायद दिया होगा, दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इस फॉर्मेट में आता है वन प्लस अ फंक्शन और उसी का रेसिप्रोकल ऊपर दिया हो, वो फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा हो, तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, ई के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, वन प्लस यहाँ पे मैंने कोई भी फंक्शन लिख दिया एफ एक्स और उसी का रेसिप्रोकल ऊपर दिया हुआ है, और एफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है x को a रखने पे, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखोगे, e, provided fx किसकी तरफ जाना चाहिए, जीरो की तरफ। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना। yes, sir. L hospital rule आपको पता है, जब भी जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, हम L hospital rule लगा सकते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे बार बार डिफरेंशिएट, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, ध्यान रखना। क्वेश्चन रूल अप्लाई मत कर देना, यू बाई वी रूल अप्लाई नहीं होगा, ऊपर का सेपरेट डिफरेंशिएशन, नीचे का सेपरेट डिफरेंशिएशन, और तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे तब तक जीरो बाय जीरो फॉर्म हटना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म अगर आता है तो आप कुछ मत करना, एफ एक्स दिया हो इंटू जी एक्स दिया, अगर जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाके वन बाय जी एक्स बना देना, तो वन बाय जी एक्स जीरो की तरफ जाएगा, तो अगेन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म में। तो बचे हुए जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो और जीरो इंटू इन्फिनिटी, इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके, है ना? बोलो। यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये तो खैर जीरो बाय जीरो फॉर्म था, डिफरेंशिएट फैक्टराइज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जेई का क्वेश्चन है, एक एक और करके कर लेते हैं, चलो सॉल्व इसको, ये तो इसमें लिमिट पूछी गई, ये वाला चलो ट्राई कर लो, ये भी थोड़ा टफ है, एक सेकेंड ना, एक क्वेश्चन बेसिक मैंने लिया था कहीं पे, चलो ये ट्राई करो एक बार, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, बेसिक ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जल्दी अप्लाई कर दूं। बताओ आंसर क्या आ रहा है। आई आंसर
कर रहे हैं सर। करो बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। किसी का आंसर आया? अब देखो, चलो सब लोग सीखो ध्यान से। सबसे पहले तो जो काम का नहीं उसको हटा दो। देखो, एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो कॉस फोर एक्स किसकी तरफ अप्रोच करेगा? वन की तरह वन की तरफ। तो इसको क्वेश्चन में नी भी लिखोगे तो लगेगा, इसको अलग से इसकी लिमिट सॉल्व कर लिया अपने, इसका आंसर कितना आ रहा है? वन आ रहा है। यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। तो इसका तो आंसर कितना, इसको तो कोई मतलब इसको क्वेश्चन में नहीं भी देते, मतलब बेसिकली इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये इसको जीरो रखेंगे तो ये वन की तरफ जा रहा है, तो इससे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब मेरे पास क्या बचा? वन माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर थ्री एक्स। अच्छा, इसके लिए क्या फॉर्मूला सीखा था? वन माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर आया ना ये वैल्यू। सॉरी, ये वैल्यू वन नहीं आती, कितनी आती थी? वन बाई टू। 1/2 आई थी सर। हाँ, तो अब यहाँ पे वन कॉस स्क्वायर थ्री एक्स है तो इसको थ्री से अब मल्टीप्लाई कर, हाँ यहाँ पे थ्री एक्स से तो मुझे काई की रिक्वायरमेंट है। देखो, थ्री। हाँ एफ एक्स और नीचे काई चाहिए, एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए ना, जी, नाइन एक्स स्क्वायर। नाइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे नाइन एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट, तो नाइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन यस एक्स सर, स्क्वायर से करेंगे डिवाइड। ठीक मल्टीप्लाई। है, तो इसका काम हो गया। अब वन हो यस सर। गई। यस सर। हाफ मेरे पास, हो गया। हाफ हाँ जो भी आएगा वो तो लिख लेंगे अपन बाद में। इसके बाद मेरे को और क्या दिया हुआ है? साइन क्यूब फोर एक्स। साइन फोर क्यूब क्या है? 4x है, तो होल क्यूब है, तो यहाँ पे नीचे का एक रिक्वायरमेंट होगी। 64x³, फोर हाँ, एक्स का होल क्यूब। 4x के होल क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी या फिर 64x क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी। तो 64x क्यूब से मल्टीप्लाई, 64x क्यूब से डिवाइड। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब लास्ट और एक और क्या डिनोमिनेटर में क्या दिया था? ln ऑफ 1 + 2x की पावर 5। तो यहाँ पे का एक रिक्वायरमेंट है, 2x की 2x की पावर 5 की, सॉरी 2x, मतलब 5 भी तो है पावर में, तो जी। यस सर। 2x की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x की पावर 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यस। जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट थी वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1 आया ना आपका फाइनली यस फंक्शन। देखो सर। तो 1/2 आया था, फिर एक 9x स्क्वायर, फिर वहां से 64x³, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 कितना होता है? 32x/5। 32x की पावर 5। अब सब कुछ कट पिट के आंसर आ जाएगा, आया ना? तो जी यस सर। नाइन देखो ये आ जाएगा। क्वेश्चन 9 आ जाएगा, अल्टीमेटली डायरेक्ट से फॉर्मूले अप्लाई करवाए रहे। क्लियर है? बोलो। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, टाइम होने वाला, आपकी अगली क्लास भी है। अगली क्लास में थोड़े से और जेई के अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिमिट्स पे ट्राई करेंगे। आप लोग घर पे थोड़ा सा इस टॉपिक को आप रिवाइज करके आना। क्लियर है? आपने जो पहले पढ़ रखा है यस उसके बाद सर। अगली क्लास में क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ। ठीक है?